ओके कल तक हमने हाइपर कॉन्जुगेशन काफी कुछ डिस्कस कर लिया। आज वी हैव टू डिस्कस अबाउट रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज द लास्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन? एक था प्लस एच इफेक्ट, जिसमें क्या होता था, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स दी सिस्टम जाती थी, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड की ट्रांसफर होती थी, जिसके लिए उन्होंने प्लस एच ग्रुप उसको बोला था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर जा रही थी। अब आप देखें, कल मैंने आपको ESR के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, और NO2 प्लस जो है इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल, जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 को रखते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 प्लस। एग्जैक्टली कैसे बनता है, वी विल डिस्कस दैट इन ESR, बट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, एक बेहतरीन, एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस। यदि NO2 प्लस का मैं अटैक इस बेंजीन रिंग के ऊपर करवाऊं तो वो किस पोजीशन पे जाएगा, वो डिपेंड करता है इस ग्रुप पे कि इस ग्रुप का अफेक्ट क्या है। तो एक बात है कि यहां पर यदि मान लो हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा होता, प्लस एच ग्रुप लग रहा होता, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर मूव करती, ये इधर से इधर लगती और ये ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप हो जाता। यदि मान लो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा है तो यहां पे लगना चाहिए था फिर आई इफेक्ट, और यदि आई इफेक्ट लगता तो NO2 प्लस उस पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो उस पोजीशन पे जाएगा जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा। यदि मान लो CCl3 का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो उस केस में NO2 को पैरा पोजिशन पे जाना चाहिए था, क्योंकि पैरा पोजिशन सबसे ज्यादा दूर थी, तो ये ग्रुप चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होता, क्योंकि सीएल अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता, ये अपनी ओर खींचता, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता, तो ऑब्वियसली बात है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, इस कार्बन पे यदि पॉजिटिव चार्ज आता तो निश्चित रूप से जो है वो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप हो जाता। तो पैरा पोजिशन पर मेन प्रोडक्ट बनना चाहिए था, पर ऐसा देखा गया कि नाइट्रेशन जब हुआ तो NO2 मेटा पोजीशन पे आके अटैच हुआ, NO2 मेटा पोजीशन पे आके अटैच हुआ। ये बात जो है थोड़ा सा हजम करना मुश्किल था, क्योंकि यदि प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन माने तो भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आना चाहिए था, यदि आई इफेक्ट माने तो भी पैरा पोजीशन पे आना चाहिए था मेन प्रोडक्ट, बट वो पैरा पोजीशन पे नहीं आया, ना ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आया। इसका मतलब ना तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है और ना ही इस केस में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। यदि बच्चों आपको याद हो, लास्ट क्लास में मैंने आपको CH3 के अंदर यह बताया कि इसका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप है यदि CH3, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होगा। आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मतलब जितना ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा आई इफेक्ट कम हो जाएगा। पैरा पोजीशन पे आई इफेक्ट सबसे कम होता है। NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, मैंने कल आपको यह भी बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो इलेक्ट्रोफाइल, पर यह इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजिशन पे आया। ये बात कैसे भी नहीं समझ सकते थे हम, बाई इंडक्टिव इफेक्ट या फिर प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा ये कब पॉसिबल था, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यदि मान लो ऐसा है और ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करता है और Cl यहां से डी अटैच हो जाता है, This is reverse hyperconjugation. अभी तक क्या हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू द रिंग ट्रांसफर हो रही, अब
सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और टूट के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीएल के पास ट्रांसफर हो रही है, दिस इज रिवर्स ऑफ हाइपरकंजुगेशन। सो ये इधर से इधर टूटा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ सी सी एल सी एल सी एल नेगेटिव, और ये बॉन्ड इधर से इधर गया, मतलब ये बॉन्ड यहां से यहां मूव हुआ है तो यहां पे क्या आ जाता, पॉजिटिव चार्ज, ये इधर और ये इधर। यदि इसको अब मूव कर दूं पाई बॉन्ड को तो ये पाई बॉन्ड यहां से यहां मूव हो जाएगा, और यदि पाई बॉन्ड यहां से यहां मूव हुआ तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा कुछ कुछ ऐसा। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बार फिर से पाई बॉन्ड मूव करेगा इस तरफ, और पाई बॉन्ड यदि इस तरफ मूव हुआ है तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, या आप इधर पॉजिटिव चार्ज लगा दें, अभी सिंपल स्ट्रक्चर सी सी एल सी एल और सी एल नेगेटिव बना। तो आप यदि ध्यान से देख रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज या तो ऑर्थो पोजीशन पे आया, या तो पैरा पोजीशन पे आया, या एक बार फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आया। यदि इन पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो मतलब ये वो पोजीशंस हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कम है, ये वो पोजीशंस है जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कम है, इन पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब NO2 प्लस इस पर अटैक कभी भी नहीं करेगा, NO2 प्लस इस पर आके अटैक नहीं करेगा। तो कहां पे अटैक करेगा, तो NO2 प्लस वहां आ सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम ज्यादा कम है, मतलब CCl3 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है पर वो मेटा पोजिशन पर असर नहीं डाल रहा है, या बहुत ज्यादा एग्जैक्ट बोलूं तो मेटा पोजीशन पे सबसे कम असर डाल रहा है। वैसे तो आप ये लाइन को बिल्कुल बोरो कर लो कि एट मेटा पोजीशन देयर इज नो अफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, एंड एट मेटा पोजीशन देयर इज नो अफेक्ट ऑफ रेजोनेंस आल्सो, जो आगे जाके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो अब तक आप ये बात समझे कि मेटा पोजीशन पे असर नहीं आ रहा है, मतलब मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली व्हेन कंपेयर्ड टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जिन पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो NO2 प्लस मेटा पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा, और यदि NO2 प्लस मेटा पोजीशन पे जाकर अटैक करता है तो आपको मेटा नाइट्रो ये प्रोडक्ट जो है जो मिल रहा है वो मिल जाएगा। इसलिए मैं यहां पे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन शब्द का प्रयोग करता हूं। आप में से जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या आपने पढ़ा हुआ है पहले से, तो आप में से ये सवाल जरूर पूछ सकते थे, सर ये रेजोनेंस क्यों नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस में भी इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना है। तो बेटा आप यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे जो दूसरा बॉन्ड टूटा है वो सिग्मा बॉन्ड है, रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं टूटता है, रेजोनेंस में हरदम पाई बॉन्ड टूटेगा या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बट सिग्मा बॉन्ड डज नॉट ब्रेक इन रेजोनेंस। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के अंदर न जाके उससे बाहर निकली है, सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ माइनस एच ग्रुप, और यू कैन से दैट इट इज अ एग्जांपल ऑफ रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। अब मैं आपसे नया टॉपिक डिस्कस करता हूं, दैट इज अबाउट द रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन। में मैंने आपसे सारी चीजें ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली, रेजोनेंस, तो रेजोनेंस का क्या मतलब है, लिख लें आप, व्हेन मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। ये मैंने आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताई है रेजोनेंस की, जब पाई बॉन्ड्स का मूवमेंट होता है तो इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, बट दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स विल मूव थ्रू ऑब्वियसली थ्रू द पाई सिस्टम, या बोल दो थ्रू द पी ऑर्बिटल,
उसको हम रेजोनेंस बोलेंगे। सिंपल शब्दों में रेजोनेंस का मतलब हो गया कि जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है इन द चेन, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। समझे आप बात को? रेजोनेंस की कंडीशंस समझते समझते आप कुछ बात समझ जाएंगे जो भी मैं कहना आपसे चाह रहा हूं। इसके बाद मैं आपको रेजोनेंस में स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, लुईस स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस में क्या होते हैं और हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस का क्या फायदा है इन जनरल, वो बात हम करेंगे। रेजोनेंस 6-7 पार्ट्स में बटा हुआ है, जैसे कि हाइपर कॉन्जुगेशन में 3-4 पार्ट में आपको पढ़ाया, ऐसे ही रेजोनेंस में आपको 6-7 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। एक उसमें से पहला पार्ट है कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, कब रेजोनेंस मिलेगा कब रेजोनेंस नहीं मिलेगा। इसी दौरान मैं आपको एरोज लगाना सिखाऊंगा, किस तरीके से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एरोज मार्क करते हो, कौन से एरो लीगल है कौन से एरो इलीगल है। तो कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस में पहली कंडीशन होती है व्हेन डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंटेड अल्टरनेट पोजीशंस, व्हेन मल्टीपल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स से डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंटेड अल्टरनेट पोजीशंस। तो आप देखें यहां पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल सिंगल डबल, इट इज अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ये कंडीशन है रेजोनेंस की। इसको रटने से ज्यादा अच्छा ही है कि आप इसको समझने की कोशिश करें कि रेजोनेंस की ये कंडीशन है, इसका क्या फायदा है? सोचो, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ऐसी चीज है जिस पे अटैक हो सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड रिलेटिवली एक वीकर बॉन्ड होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो रिलेटिवली एक वीक बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड यदि रिलेटिवली एक वीक बॉन्ड है, तो आप समझिएगा इस बात को, उस पे अटैक किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का आसानी से हो सकता है। यदि पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है तो ऑब्वियसली उस पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कंपैरेटिवली आसानी से हो सकता है। देयरफॉर ये पाई बॉन्ड चाहेगा कि यदि वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर डीलोकलाइज हो जाए तो निश्चित रूप से स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, पर जरूरी नहीं है डीलोकलाइज हो पाए, उसके सिर्फ ये सोचना कि पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा हर स्थिति में, वो तो नहीं मूव करने वाला है। पाई बॉन्ड विल नॉट मूव इन एवरी कंडीशन, इट कैन ओनली मूव व्हेन एवर द सूटेबल कंडीशंस आर देयर। अब वो सूटेबल कंडीशंस क्या है जिनमें पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग पे आपको वापस जाना पड़ेगा। यदि आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को देखें, मैं इसके बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल कोर इश्यूज आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो इसमें दो हिडन हाइड्रोजन होने चाहिए, एक इधर और एक इधर। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। फिलहाल इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए थे, तो ऑब्वियसली 2 हिडन हाइड्रोजन हो जाते। इस पर देखो तो 1 हिडन हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना के बैठा है, मतलब 1 हिडन हाइड्रोजन। इस पर देखो तो 1, और इस पर भी देखोगे तो 2 हिडन हाइड्रोजन हो जाएंगे। यदि तुम लोगों को 11th क्लास का ये पोर्शन याद हो, हाइब्रिडाइजेशन वाला, तो तुमको याद होगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यदि आप बात को समझें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सम यदि 2 आता था तो हाइब्रिडाइजेशन में sp लिख देते, यदि ये सम 3 आता था तो आप हाइब्रिडाइजेशन sp2 लिख देते थे, 4 आता तो sp3, 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2, 7 तो sp3d3। ये बात 11th में आप पढ़ चुके। थोड़ी सी बात और कर लूं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2 होता है, 2s2, 2p2। इस कार्बन को मार्क करते हैं। यदि इस कार्बन को आप देखो तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इस पे सिग्मा बॉन्ड हो गया 1, 2, 3, लोन पेयर 0। लोन पेयर का मतलब क्या है? लोन पेयर का मतलब है आउटर मोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स
जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे और पेयर के रूप में एग्जिस्ट करे. दोज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑब्वियसली सेंट्रल एटम विच डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर. बट इसमें जरूरी क्या है, इसमें जरूरी जो वर्ड है, जो जरूरी बात है वो ये है, आउटर मोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा, दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल विच डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज लोन पेयर. अंदर वाले शेल की बात नहीं कर रहे, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे, उसी को लोन पेयर बोलते हैं. अब देखें बेटा, कार्बन, ये वाले कार्बन की बात मैं कर रहा हूं, फिलहाल चार बॉन्ड बना रहा है और चार बॉन्ड बनाने के लिए चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है. यदि चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, प्रत्येक बॉन्ड बनाने के लिए एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए यदि आप कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इधर भेजना पड़ेगा. इसको यदि मैंने एक्साइट करके इधर भेज दिया तो बेटा कार्बन में कोई भी लोन पेयर तो आप बचा नहीं, क्योंकि ये रहा 2s और ये रहा 2p. 2s में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयर हो रहा है, जानते हैं हम सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है इससे. 2p में तीन इलेक्ट्रॉन है, वो भी शेयर हो रहे हैं. यदि आप देखें तो चार बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दो हाइड्रोजन के साथ और दो कार्बन के साथ सामने, दो हाइड्रोजन के साथ में और दो सामने कार्बन के साथ शेयर हो रहे, मतलब लोन पेयर कोई बचने का सवाल नहीं होता. इसका मतलब इसके अंदर कोई लोन पेयर है नहीं. बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, तीन, एक दो तीन, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई, तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड आर देयर प्लस जीरो लोन पेयर प्लस जीरो लोन पेयर. अब बेटा यदि यहां पर तीन सिग्मा बॉन्ड है और जीरो लोन पेयर है तो इसका सम कितना आया, थ्री, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इधर वापस चलते हैं, यदि आप केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत याद रखा हो आपने तो बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक s और दो p हाइब्रिडाइजेशन में गए, तो नए जो ऑर्बिटल बनते हैं वो कितने बनते हैं, उतने ही बनते हैं जितने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते, तो तीन ऑर्बिटल ने पार्ट लिया तो तीन नए बनेंगे, तीनों का नाम क्या हो जाएगा, sp2 और एक और sp2, और ये क्या बच गया, ये बच गया प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल. तो यहां बचा आपके पास प्योर p ऑर्बिटल और ये तीन रहे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. जनरली प्योर पी ऑर्बिटल्स एक प्लेन में रहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन में रहेगा और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगा पी ऑर्बिटल. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने एक प्लेन में मान लिया तीन और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में क्या हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया. यहां तक यदि आपको ये बात याद आ रही हो जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाई थी, तो मैं आपको और याद दिलाता हूं. कभी भी जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो उन्हीं ऑर्बिटल्स के बीच होता है जो ऑर्बिटल एक ही प्लेन में हो, एक ही से ओरिएंटेशन में हो, उनका साइज भी लगभग सेम हो. जैसे 2p2p में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर आसानी से हो. बेटा यहां पर यदि आप देख रहे हो तो तीन सिग्मा बॉन्ड है और ये तीन सिग्मा बॉन्ड कौन बना रहा हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और जो पाई बॉन्ड बनता है वो प्योर पी ऑर्बिटल की साइटोन ओवरलैपिंग से बनता. तो पी ऑर्बिटल किस प्लेन में होगा, P ऑर्बिटल इस पूरे स्ट्रक्चर के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा. यदि मैं स्केल से दिखाऊं आपको तो ये इधर इधर यूं जा रहा, ये स्केल रहा, ये बाहर आ रहा P ऑर्बिटल, ये आउटसाइड द प्लेन यूं आ रहा है, यदि स्केल आपको ना दिख रही हो तो ये यूं आ रहा है, ये भी यूं आ रहा है P ऑर्बिटल बाहर, ये P ऑर्बिटल भी यूं बाहर आ रहा है, ये P ऑर्बिटल भी यूं बाहर आ रहा. मतलब कहने का ये है कि P ऑर्बिटल सभी एक ही प्लेन में एक ही तरीके से अरेंज है. ट्रांसफर सिर्फ तब हो सकता है जब दो P ऑर्बिटल एक ही प्लेन में हो, एक ही से ओरिएंटेशन में हो. यह नहीं हो सकता कि एक P ऑर्बिटल इस प्लेन में और दूसरा P ऑर्बिटल उसके परपेंडिकुलर प्लेन में या इस प्लेन में, नहीं ऐसा नहीं हो सकता. तब तक
ट्रांसफर नहीं होगा जब तक दोनों का प्लेन एक जैसा ना हो जाए, दोनों के आकार एक जैसे ना हो जाए। ऐसा नहीं है टू पी से थ्री पी में ट्रांसफर नहीं होता, पर प्रॉपर ट्रांसफर नहीं होता, इम्प्रॉपर ट्रांसफर होता है। प्रॉपर ट्रांसफर के लिए दोनों का एक ही साइज होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग प्रॉपर होगी, और दोनों का ओरिएंटेशन एक होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक यूं है और एक यूं है और तो ट्रांसफर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का, दोनों यूं होना चाहिए। अब अभी आपने देखा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस प्लेन में है तो प्योर ऑर्बिटल उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। नाउ इतनी थ्योरी आपने कुछ कुछ बातें समझी है कि कब ट्रांसफर हो सकता है। आपने हाइब्रिडाइजेशन भी समझ लिया, यहाँ पे sp2 है इसका मतलब एक p ऑर्बिटल ये हो गया, एक p ऑर्बिटल ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, चार p ऑर्बिटल हो गए और चारों p ऑर्बिटल आउटवर्ड डायरेक्टेड है, यूं 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 चारों के चारों 2p 2p है। इसका मतलब इनके बीच पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो सकता है। मैंने क्या बोला आपको, तब तक पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो सकता जब तक कि ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन एक जैसे ना हो, एक बात। दूसरी बात, जब तक उनके साइज एक जैसे ना हो। मैं वापस से रिपीट करता हूं, साइज यदि अलग हुए तो भी ट्रांसफर होगा पर इम्प्रॉपर ट्रांसफर होगा। तीसरी बात, पूरा स्ट्रक्चर एक ही प्लेन में होना चाहिए इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के लिए। बेटा ये बात मैंने आपको पहले एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पढ़ाते हुए बताई है कि जब भी अल्टरनेट पोजिशन पे कॉन्जुगेशन की स्थिति मिल रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस इज गोइंग टू अ प्लेनर स्ट्रक्चर। इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन सब एक ही प्लेन में, यदि यहां पे समझाऊं तो सारे सारे बोर्ड के प्लेन में, तो स्ट्रक्चर प्लेनर है, एक बात। दूसरी चीज, सारे p ऑर्बिटल एक ही ओरिएंटेशन में, तो निश्चित रूप से ये वाला बॉन्ड मैं आपको अलग से दिखाता हूं क्योंकि उसमें काफी कुछ ड्रॉ हो चुका है, तो ये एक सही स्थिति है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने की। ये इधर से इधर जाएगा और ये इधर से इधर जाएगा। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में एरो मार्क करते हुए बताया था, होशियार बच्चे, इस पाई बॉन्ड को जब भी आप मूव करोगे तो आप खुद सोचो इस बॉन्ड में आइडियली मानू तो इलेक्ट्रॉन कहां होने चाहिए, ठीक सेंटर पे होने चाहिए। तो ये यहां से मूव करेंगे, नया बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे, ठीक सेंटर पे आएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सेंटर से उठा के सेंटर पे भेज दिए। यदि मैं एरो को इधर से लूं और इधर से लेकर के इधर भेजूं, यहां से लेके यहां भेजता हूं, तो ये सही एरो नहीं हो सकता क्योंकि इन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन आइडियली सेंटर पे होनी चाहिए, ना कि इस ओर। यदि इस ओर हुई तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप यहां से ऐसा एरो मार्क नहीं करेंगे, ये लीगली गलत होगा। आप एरो सेंटर से ले जाके सेंटर पे एंड कर देंगे क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एक तरीके से पाई बॉन्ड का मूवमेंट करके पाई बॉन्ड ही बना रहे हैं। पर जब आप इधर से इधर पाई बॉन्ड का मूवमेंट करोगे तो होशियार बच्चे, यदि आप ध्यान दे रहे हो तो ये पाई बॉन्ड यदि यहां से गया तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कार्बन का ऑक्टेट एक्सीड हो जाए, तो नेचुरली ये पाई बॉन्ड यहां से यहां मूव कर जाएगा। और यदि यहां से यहां मूव किया तो इस पी ऑर्बिटल में तो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस पी ऑर्बिटल पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया है, ये भी इधर पाई बॉन्ड था तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, पर इस पे कोई चार्ज नहीं आया क्योंकि एक इधर से आ गया और एक इधर से चला गया, तो कहीं का चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज आया और दो इलेक्ट्रॉन आए। नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, जब ये बॉन्ड बना था तो एक इलेक्ट्रॉन इसका था एक इसका था, जब मूव हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, मतलब एक एक्स्ट्रा आया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया और यहां पे बॉन्ड क्या बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज एक लगा दिया मैंने, नेगेटिव चार्ज को लगा दिया क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये क्यों मूव कर पाया, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के अनुसार यहां पे कंडीशंस कंडूसिव थी। आप इसको डायरेक्टली भी ये याद कर सकते थे कि जब अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड होते हैं तो रेजोनेंस मिलता है, बट केमिकल बॉन्डिंग से सारे कंसेप्ट से ये कैसे रिलेटेड था वो बात मैंने आपको पढ़ाई है। एक्चुअली ये बात मैं आपसे एक बार बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुका हूं। नाउ सी दिस, सवाल ये उठता है, आपको ये लग सकता है कि सर इससे ये बनाया बॉन्ड तोड़ दिया, ये कहां से स्टेबिलिटी वाली कंडीशन बनी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई इस पोजीशन पे टिकने वाला नहीं है, ऐसे ये तुरंत
यहां से यहां जम करेगा और ये यहां से यहां जम करेगा। पर इस प्रोसेस में क्या हुआ बेटा कि ये डबल बॉन्ड जो कि इधर और इधर फिक्स था वो इधर इधर फिक्स ना हो करके तीन पोजीशंस पे मूव कर रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से बॉन्ड ऑर्डर बदल जाएगा। जो बॉन्ड ऑर्डर टू रहता, मतलब जो बॉन्ड यहां पे हरदम फिक्स था वो यहां फिक्स ना होकर के इधर भी आ रहा है थोड़े समय के लिए। क्लियर की बात सभी बच्चों को? देयरफॉर नेचुरली ये स्टेबिलिटी वाली कंडीशन है क्योंकि अब डबल बॉन्ड इन दो पोजीशन पे ना होकर के इन तीन पोजीशंस पे दो बॉन्ड बट गए हैं। तो जो एक बॉन्ड था वो अब तीन पोजीशंस पे, या दो बॉन्ड तीन पोजीशंस पे बट गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि डबल बॉन्ड इधर भी आ रहा है तो ये स्टेबिलिटी की कंडीशन आएगी, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह ना टिके, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह से ज्यादा जगह पर मूव हो रही है। देयरफॉर इट विल एड स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। तो ये रेजोनेंस की पहली कंडीशन है जब अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड मिले।